दोस्तान गिरामी, सहाबा इकराम के दिलों में पैदा होने वाले अंदरूनी रूहानी इनकलाब को दोबारा पैदा करने के लिए हमें चंद अहम तालीमात को सीखना ज़रूरी है। नंबर एक, इखलाक। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका इखलाक बेहतरीन हो। नंबर दो, हमारे दिलों में पूरी इंसानियत के लिए रहमत, फलाह व बहबूद होनी चाहिए। ये वो जिम्मेदारी है जो उम्मत मुस्लिमा को सौंपी गई है। नंबर तीन, तमाम मर्द भाई भाई हैं, तमाम औरतें आपस में बहनें हैं और हम सब आदम और हवा से पैदा हुए हैं और हम सब बराबर हैं और हम एक दूसरे के ज़िम्मेदार हैं। नंबर चार, ताकत हमें मज़लूम की मदद के लिए दी गई है, जुल्म करने के लिए नहीं। नंबर पाँच, माल हमें इसलिए दिया जाता है कि हम ज़रूरतमंदों की मदद कर सकें, कारून की तरह उसका मजाक न उड़ाएँ। नंबर छः, कौम का लीडर अवाम का खादिम होता है। नंबर सात, तमाम मखलूक खुदा का कुंबा है और खुदा का कुर्ब हासिल करने का तरीका मखलूक की खिदमत है। इन तमाम खसूसियात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया और हमारे लिए नमूना बनाया ताकि हम इन्हें सीख सकें और इनकी तकलीद कर सकें। इसी तरह मुसलमान कामयाबी के मेराज पर पहुंचेंगे। आज हमने हॉलीवुड मॉडल्स के हक में नबी मॉडल को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हम अंधेरों की गहराइयों में पहुंच चुके हैं। कामयाबी का फार्मूला वही है जो हमेशा था, हमारे नबी के बताए हुए रास्ते पर चलना।